सावधान, आ रहे हैं फॉर्मूला गुरु। गुरु बताएंगे किसी कंपनी के बही खाते में रिजर्व एंड सरप्लस क्या होते हैं। गुरु बताते हैं कि किसी भी कंपनी का रिजर्व एवं सरप्लस बीते कुछ साल में बचे मुनाफे को जोड़कर हासिल होता है। ये वो मुनाफा होता है जो शेयर धारकों को डिविडेंड का भुगतान करने के बाद बचता है। जब कोई कंपनी शेयर धारकों को डिविडेंड देने की बजाय मुनाफे को कारोबार में फिर से लगा देती है तो रिजर्व एवं सरप्लस में बढ़ोतरी होती है। गुरु ये भी बताते हैं कि रिजर्व एवं सरप्लस मुनाफे या कमाई का वो हिस्सा होते हैं जिन्हें किसी खास काम के लिए बचा कर रखा जाता है। इन विशेष कामों में फिक्स्ड एसेट की खरीद, कानूनी समझौतों के लिए भुगतान, कर्ज या डिविडेंड का पेमेंट आदि शामिल है। इस पूंजी का इस्तेमाल भविष्य में बिजनेस को बेहतर बनाने, विस्तार करने या उसे सुरक्षित करने के लिए भी किया जाता है। ये रकम अचानक आने वाले खर्चों के दौरान कारोबार की वित्तीय स्थिति को बरकरार रखने में भी मदद करती है। रिजर्व एवं सरप्लस ऐसी रकम होती है जो बिजनेस के बुरे वक्त में काम आती है। चलिए अब इसे कैलकुलेट करना भी सीखते हैं। कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व और साल का सरप्लस, इन सभी को जोड़ने पर रिजर्व और सरप्लस हासिल होता है। अब इनका अलग अलग मतलब भी समझिए। गुरु बताते हैं कि कैपिटल रिजर्व ज्यादातर लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स के लिए रखे जाते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इस फंड में फेस वैल्यू के ऊपर का प्रीमियम मौजूद होता है। जनरल रिजर्व, इस फंड में शेयर धारकों को डिविडेंड बांटने से पहले मुनाफे को रखा जाता है। कंपनी इस रकम का इस्तेमाल बफर के तौर पर कर सकती है। अब कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व में क्या अंतर होता है, इसे समझने के लिए आप देखिए मनी ज्ञान।